बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन ऑफ रिप्लेसमेंट हीफर के ऊपर है। आफ्टर वीनिंग हमने दूध पिलाने तक की डिस्कशन की थी, फिर जब तक बच्चे को दूध कैसे छुड़ाना कैसे है और उसके बाद उसको नॉर्मल डाइट के ऊपर किस तरह लेके आना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि जस्ट आफ्टर जो वीनिंग है उससे लेके फर्स्ट कार्विंग तक की जो स्ट्रेटेजीज है, डिफरेंट न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजीज या क्या चीजें जो हम देखते हैं उसके ऊपर जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज हम बेसिकली इम्पोर्टेंस देखेंगे कि रिप्लेसमेंट हीफर की मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी हीफर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन ऑर्गेनिक ग्रोथ, ये अभी हम इस टॉपिक को, इसका एजेंडा नहीं बनाएंगे क्योंकि ये मैंने जो रिव्यू किया है इसमें काफी डिटेल्स है और इंशाल्लाह इसको हम किसी और टॉपिक पर करेंगे। टारगेट्स क्या है हम आज ये देखेंगे, टारगेट्स को मेजर कैसे करते हैं, उनकी फीडिंग स्ट्रेटेजीज क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री प्यूबर्टल या प्यूबर्टी से पहले जो न्यूट्रिशन, इसका इम्पैक्ट होता है कार्विंग के ऊपर, पोस्ट परफॉर्मेंस कार्विंग के ऊपर, गाय के ऊपर या नहीं, ये क्वेश्चन है कि बच्चे को हम अगर अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं तो क्या वो कार्विंग के बाद ज्यादा दूध देगा और क्या इनके ऊपर फ्यूचर स्टडीज है। तो मैं एक डेटा शेयर करूंगा, एक स्टडी है बेसिकली, इसके अंदर इन्होंने 200 तकरीबन 60 259 होल्स्टीन फ्रीजियंस सिलेक्ट की और उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। आफ्टर 100 kg जब उनका बॉडी वेट हो गया तो उसके बाद उन्होंने उनको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया। उनमें से एक ग्रुप को उन्होंने 0.77 किलोग्राम एवरेज डेली गेन के हिसाब से फीड दी, एक को 0.53 एवरेज डेली गेन के हिसाब से कंटिन्यू किया, इनको 22 मंथ तक और इनको 20 तक रखा। ठीक है, तो ये एक स्टडी थी और इस स्टडी के अंदर उन्होंने बेसिकली ये देखा था कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है परफॉर्मेंस के ऊपर। कुछ फाइंडिंग्स हैं जो बड़ी सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि उन्होंने पहली चीज है कि वे देखी कि चाहे एवरेज डेली गेन आप ज्यादा कर दें कम कर दें, प्यूबर्टी की एसोसिएशन है बॉडी वेट के साथ। और इंटरेस्टिंगली हीफर्स ने 251 kg के ऊपर होल्स्टीन फ्रीजियन ने जो है प्यूबर्टी अचीव कर ली। आप सब जानते हैं प्यूबर्टी इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू एक्सप्लेन। तो 250 kg के ऊपर, 251 kg के ऊपर उन्होंने प्लस माइनस 25 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें 225 kg पे भी हुई होगी, यकीन शो की होगी उन्होंने 250 पे भी, इसके ऊपर उन्होंने प्यूबर्टी शो की। और ये जो है इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्यूबर्टी का ताल्लुक बॉडी वेट से बाहर है और एक सर्टेन बॉडी वेट के ऊपर ही वो प्यूबर्टी, और वो इतना ज्यादा नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। हम लोगों का एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है वो एज एट ब्रीडिंग है, एज एट प्यूबर्टी नहीं है। ऑब्वियसली 2 महीने बाद ही ब्रीडिंग कर रहे होते हैं टिपिकली प्यूबर्टी के बाद, तो विच मीन्स के 325 kg पे इनकी स्टडी के मुताबिक जो है ब्रीडिंग करना वो फिजिबल होगा, इतना मसला नहीं है। एक चीज उन्होंने देखी, वो ये देखी कि जिन एनिमल्स को उन्होंने हाई प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर रखा, उनकी ऑब्वियस चीज थी कि उनकी हाइट भी ज्यादा थी, वो टॉलर भी ज्यादा थी। ठीक है, और उन्होंने ये चीज कंटिन्यू रखी 39 मंथ ऑफ एज तक, यानी 39 मंथ्स तक उनकी ग्रोथ की जो परफॉर्मेंस थी ये उनके काउंटर पार्ट से ज्यादा ही गई। तो जो हाई प्लेन ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर थे एनिमल्स जिनके एवरेज तरीके ज्यादा हुआ, वो 39 मंथ तक, बल्कि 51 मंथ तक बॉडी वेट का भी, पर ये जो हार्ट गेट जो है रेशियो है वो जो मेजरमेंट्स थी उन्होंने वो जहां तक 50 मंथ तक लेते रहे उसमें बॉडी वेट एक ऐसा वेरिएबल था जो इवन 51 मंथ तक ज्यादा ही रहा उनका, जिनको आपने शुरू में जो है फीडिंग ज्यादा की। मिल्क यील्ड 7% ज्यादा थी फर्स्ट लैक्टेशन में उन एनिमल्स की जिनको हाई फीड अलाउ किया, और उसकी वो बुनियादी वजह ये समझते हैं कि हायर ग्रोथ रेट था जिसकी वजह से उनको ज्यादा दूध दिया उनकी फसल, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट लैक्टेशन में ये इफेक्ट जो है ये डिसअपीयर हो गया। पहली लैक्टेशन के बाद दूसरी तीसरी लैक्टेशन में इन चीजों का फर्क उस स्टडी में नहीं मिला।
कंक्लूड किया गया उन्होंने कि प्री पुबर्टल न्यूट्रिशन का एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है फर्स्ट लैक्टेशन में, दूध ज्यादा आता है नंबर एक। 0.7 kg तक कोई मेमोरी डेवलपमेंट में एवरेज भी गेन करने में 0.75 kg तक, बट एवरेज जॉगिंग का टारगेट था 0.77 तक, एटलीस्ट उनकी मेमोरी डेवलपमेंट में कोई ज्यादा जो है रिडक्शन के बावजूद भी इफेक्ट तो प्रोडक्शन के ऊपर इसलिए ज्यादा नहीं आया क्योंकि ये एक ग्रोथ परफॉर्मेंस भी ज्यादा थी और उसकी वजह से वो बॉडी साइज की वजह से बहुत ज्यादा थी। तो ये कंक्लूजन है, इसका मतलब ये है कि आप 7% ज्यादा दूध ले सकते हैं एक एनिमल से अगर आप उसकी ग्रोथ और परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ख्याल रखेंगे शुरू। इस स्टडी में एक चीज है वो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये कंपैरिजन थोड़ा सा एक नॉर्मल जो हम लोग आजकल टारगेट्स करते हैं पाकिस्तान में 0.77 kg तक या 0.878 kg तक या 0.8 kg तक एवरेज डेली गेन है, उसकी निस्बत ये 0.55 kg वाला जो कंट्रोल वाली साइड है वो थोड़ी लोअर साइड के ऊपर है, सो 7% जो है इफेक्ट करने वाला। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने ये देखा है कि फार्म्स के ऊपर ज्यादातर एनिमल्स पहली दूसरी और तीसरी लैक्टेशन के होते हैं, तो अगर आपके फार्म के ऊपर ये तकरीबन 25-30% एनिमल्स पहली लैक्टेशन के आते हैं हर दफा, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 7% का मतलब क्या है, इट्स अ बिग नंबर अगर आपको सिर्फ इस वजह से परफॉर्मेंस होते हैं। ऑब्वियसली वो एनिमल जल्दी तैयार होगा, वो जल्दी दूध देगा, ज्यादा दूध देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजी एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियल है। अगेन मैं ये चीज जरूर रिपीट करूंगा कि इस स्टडी के अंदर 0.77 kg को एवरेज डेली लिया, विच इज नॉट समथिंग जो हम पाकिस्तान में अचीव नहीं कर रहे होते। टिपिकली कॉर्पोरेट कमर्शियल फॉर्म्स के अंदर ये 80-85% 90% तक अचीव कर जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 24 मंथ। भारत तो ये एक चीज है जो स्टडी है, ये बताती है कि हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए स्पेशली उनकी ग्रोथ के ऊपर। उनकी अब आ जाता है मुख्तलिफ फेजेस क्या है और कैसे ये जो है ग्रोथ इफेक्ट करते हैं, तो आप इसके ऊपर देखते हैं। पहले कुछ चीजें हैं बुनियादी जो दोबारा रिपीट करो चाहे कि 3 महीने में बच्चे का वजन अगर 90 किलो तक हो और हाइट भी 90 सेंटीमीटर हो, एवरेज देखिए 6 महीने थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ 0.8 kg इज क्वाइट हाई फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, बट स्टिल अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो मिल्क फीडिंग के ऊपर प्रेफरेंस कर रहे तो किसी हद तक आप पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज के जरिए। इसी तरह 14 महीने पे 350 kg वजन 125 सेंटीमीटर हाइट हो जाए और एवरेज डेली गेन 0.8 kg तक हो तो ये दैट इज अ गुड फिट, और इसी तरह 24 मंथ्स पे उसकी 630 kg बॉडी वेट 135 सेंटीमीटर हाइट हो तो दैट इज परफेक्ट फॉर होस्टिंग कप। ये जो 630 kg बॉडी वेट है इसके अंदर सारी चीजें ऑब्वियसली फीटस वगैरह सारा कुछ प्लेस है, और आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन इसमें से मैं 40-50 kg माइनस कर दूं तो 580 kg तक जो है ना एनिमल का ग्रोथ का अपना है, और फिर वो 40 kg काफ का 30 kg 36 kg काफ का बॉडी वेट और उसके साथ सारी चीजें माइनस भी कर सकते हैं जो आफ्टर कार्बन होती है, तो इट्स अबाउट 580 kg जो आप कैलकुलेशन में रखते हैं। 630 kg का मतलब ये कि अगर आपने फीटस और उसके साथ काफ के साथ जो है इसको कैलकुलेट किया तो दिस वन ऑफ द टारगेट। और ये भी हमें पता है कि एज के साथ साथ जो है ये बॉडी वेट जो है ये जनरली इंक्रीज होता है, इसका लीनियर रिलेशनशिप है विच इज क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये जो करंट रिकमेंडेशन है जो 3 बेसिक चीजें, पहली चीज ये है कि जो आपकी कोई एज एट फर्स्ट कार्निंग है जो मैं अब आगे बात करने वाला हूँ उसमें 24 महीने तक जो है एक एनिमल की आप कंसिडर करें कि जो है 24 महीने में उसका बच्चा टारगेट सेट करने के लिए। दूसरा ये कि एक्सेसिव रेट ऑफ गेन, एक्सेसिव का मतलब अब ये है कि आप ये 0.8 kg से ऊपर की बात करें स्पेशली प्रायर टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब ये कि 12 महीने से पीछे पीछे अगर आपने उसको बहुत एक्सेलरेशन दी है तो उसकी वजह से उसको लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, ये भी स्टडीज कहती है, अदर स्टडीज है जो बेसिकली कहती है कि एक्स्ट्रा गेन करने और कॉस्ट एसोसिएटेड विद रेजिंग इफ इज अ सिग्निफिकेंट, और जाहिर बात है जब आप उसकी एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज करने के भी मुख्तलिफ टेक्निकल तरीके हो। जैसे मैंने पहले बताया कि एज एट फर्स्ट कार्विंग जो है वो उसमें इंटरेस्टिंग फिनोमेना 2-3 फैक्ट्स है, वो ये है कि जनरली कहा जाता है कि 23 महीने जो है एक ऑप्टिमल आइडियल एज है ईफर को, अगर आप कहते हैं कि उसकी मैक्सिमम लाइफ टाइम प्रोडक्शन ले लिया
23 महीने पे काबिज हो रही होगी। जनरली डेटा कहता है, ऐसे डेटा का मतलब ये होता है कि वो फार्म्स के सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद ये कंक्लूजन निकालते हैं। इट डजंट हैव टू बी फिक्स्ड विद योर स्पेसिफिक फार्म, बट जनरली आप कह सकते हैं कि जो फार्म के सर्वे थे मुझे बताते हैं कि 23 मंथ्स के ऊपर जो है वो मैक्सिमम लाइफ टाइम प्रोडक्शन आती है एनिमल्स की, मैक्सिमाइज आती है। अगर आप उससे नीचे जाते हैं 22 से 24 महीने, 22 महीने के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्शन जो है वो उसके अंदर जो है जनरली जो है वो 22 से 24 महीने में या 23 महीने में आप कह सकते हैं कि मैक्सिमाइज होती है। और अगर आप 25 महीने पे जाते हैं तो ऑप्टिमल प्रॉफिट आता है। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीफर जो है वो ज्यादा देर स्टे करे तो टिपिकली 25 महीने पे जो एनिमल प्रेग्नेंट होता है वो जनरली ज्यादा देर स्टे करता फॉर्म में। अगेन मैं आपसे ये कहूंगा कि ये रिस्क, ये असेसमेंट के डेटा होते हैं और ये इंडिविजुअल फॉर्म टू फॉर्म वेरी करती है बात। लेकिन बाहर जनरली जो एक अमेरिकन स्टडीज है उनके मुताबिक जो स्टैंडर्ड है और जो पाकिस्तान में बाहर स्टैंडर्ड है ये कि 23-24 महीने में आप हीफर को क्या करते हैं, तो दिस वन ऑफ द थिंग जिसके ऊपर हम लोग जो है टारगेट सेट करते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हीफर्स कितने चाहिए होती है ये तीन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें दो चीजें हैं कि कलिंग रेट कितना है आपके फार्म का और ये जो फर्स्ट कमिंग है कलिंग रेट का, तो बराह रास्त अगर आप 20 गाय निकाल रहे हैं एडल्ट तो आपको 20 ही हीफरे चाहिए हर साल। अगर आपने हर साल 40 हीफरे निकालनी है एडल्ट एनिमल निकालने तो आपको 40 एनिमल्स ही एंटर करने हैं एटलीस्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली वो ये है कि ये हीफर और काउ की रिप्लेसमेंट एक जैसी नहीं होती। अगर आप एक एडल्ट काउ को रिमूव कर रहे हैं तो हीफर उसका 85% प्रोड्यूस कर रही होगी, तो ये फर्क होता है क्योंकि दूसरे तीसरे लैक्टेशन वाले एनिमल्स जो है उनका दूध ज्यादा होता है, फर्स्ट लैक्टेशन वाले कम होता है। इसी तरह एज एट फर्स्ट कामिंग अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो हीफर जो है वो ज्यादा चाहिए क्योंकि आप एक साइकिल को विद इन गिवन टाइम पूरा नहीं कर रहे। 24 महीने से 26 महीने पे जाएंगे आपको 4-6 हीफरे, मतलब 100 एनिमल्स की अगर आप रेनिंग साइकिल चला रहे तो 4-5 हीफरे और भी एक्स्ट्रा चाहिए होंगे इस। अब आ जाती है दूसरी चीज प्री प्यूबर्टल रेट ऑफ गेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्री प्यूबर्टल रेट ऑफ गेन से बता दिया कि बच्चा ये जब हीफर पैदा होती है तो उस वक्त उसके अंदर चूंकि मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन नहीं होता, लेकिन उस मेमोरी ग्लैंड के अंदर सेक्रेटरी सेल्स की या दूध वाले सेल्स की ग्रोथ हो गई होती है। और अगर किसी वजह से आप उसको तीन जो है वो उसको एक्सेलरेट कर देते हैं हीपर को और ज्यादा एनर्जी खिलाते हैं और ज्यादा उसको फीड देते हैं ऐसी जो एनर्जी डिपॉजिट करें, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है कि हाई प्री प्यूबर्टल रेट ऑफ गेन अगेन 0.8 केजी से ज्यादा की बात हो रही है, इस सूरत में उसके अडर पे मेमोरी ग्लैंड पे सॉरी जो है फैट की डेपोजिशन हो सकती है और फैट्स जो है जब वो डिपॉजिट होगी एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में तो वो सेक्रेटरी सेल्स की लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी को कम कर देगी। तो इसमें स्टडी है वो कहती है कि इंक्रीज एनर्जी इन द डाइट इंक्रीज द रेट्स ऑफ बॉडी वेट गेन एंड सबसिक्वेंट फैट डेपोजिशन इन द मेमोरी ग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया, और कॉन्सिक्वेंस ये कि लो प्रोडक्टिविटी होगी इन सबसिक्वेंट लैक्टेशन। और इसकी बुनियादी वजह भी मैंने आपको बता दी कि पैरेंटाइमल टिश्यूज जो है मेमोरी के ग्लैंड के वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। इसमें चार फेजेज हैं या पांच फेजेज हैं जिनकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो हीफर जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। पहला फेज है बर्थ से, दो ग्रोथ की टर्म समझने पहले आइसोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं ऑफ मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि इसकी एक जैसी सिमेट्री है कंपेयर टू होल बॉडी, यानी जितना मेमोरी ग्लैंड बढ़ रहा है वो प्रोपोर्शनल है होल बॉडी की ग्रोथ के साथ, या आइसोमेट्रिक। और एलोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब ये है कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ ज्यादा हो गई है या स्पीड ज्यादा हो गई है कंपेयर टू होल बॉडी, ये एलोमेट्रिक। अब जहां आइसोमेट्रिक ग्रोथ रहेगी या आइसोमेट्रिक ग्रोथ एलोमेट्रिक ग्रोथ से ज्यादा होगी इसका मतलब यह है कि हीफर सेफ है, मेमोरी ग्लैंड डैमेज नहीं होगा, उसके अंदर फैटी टिश्यूज की डेपोजिशन ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जहां जहां एलोमेट्रिक ग्रोथ ज्यादा है वहां अगर आपने उसको ज्यादा और कर दिया तो अगेन उसमें रिस्क इन्वॉल्व। तो बर्थ से दो महीने तक आइसोमेट्रिक ग्रोथ होती है मेमोरी ग्लैंड, तो जितनी बॉडी बढ़ रही होती है उस प्रोपोर्शन में मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगी, तो आइसोमेट्रिक ग्रोथ। दो से छह महीने तक आइसोमेट्रिक ग्रोथ एलोमेट्रिक से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगेन आप जो मर्जी एनर्जी दे दें
हीफर जो है वो 180 kg, जब तक उसका 150 kg बॉडी वेट में हो जाएगा तब तक वो जो है बेसिक जो उसके अंदर चीज है वो डेवलप, उसके मेम्ब्रेन ग्लैंड जो है वो बेसिक उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप हाई एनर्जी फीड दें पहले 6 महीने, कोई मसला नहीं। 6 महीने से प्यूबर्टी तक, 12 महीने तक अगर आप प्यूबर्टी अचीव करते हैं या 250 kg, एक्चुअली जो उन्होंने वजन बताया हुआ, तो उस वक्त तक एलोमेट्रिक ग्रोथ होगी। और एलोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि इस फेज में अगर आपने हीफर को स्मार्ट या पतला ना रखा तो फैट डेपोजिशन होने वाली है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट। तो ये स्पेशल अटेंशन वाला ग्रुप है जो 6 महीने से प्यूबर्टी तक है, इसमें एलोमेट्रिक ग्रोथ होगी। और प्यूबर्टी से ऑनवर्ड 3rd मंथ ऑफ जेस्टेशन तक, यानी जस्ट बिफोर कार्विंग तक 3 महीने तक, अगेन जो है एसोमेट्रिक ग्रोथ होगी। और लास्ट ट्राइमेस्टर में अगेन एलोमेट्रिक ग्रोथ वहां नॉर्मल है। तो ये फेजेस है, आप समझे हीफर की जब आपने ग्रुप्स बनाने ना, आपने ऐसे बनाने 3 महीने 2 महीने तक का एक ग्रुप, 2 महीने या 3 महीने से 6 महीने तक का एक ग्रुप, 6 महीने से 12 महीने तक का एक ग्रुप जिसमें आपने लीन डाइट देनी है हाई प्रोटीन वाला, और फिर 12 महीने से लेके ऑनवर्ड आगे आप उसको एक रीजनेबल डाइट दे जिससे एटलीस्ट उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर ज्यादा ना, वो एक और वजह से बढ़। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप देखिए तो पहले 6 महीने में आइसोमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। आपसे हमारी जब शुरू में भी डिस्कशन हुई थी काफ न्यूट्रिशन के लेक्चर्स में, तो मैंने एक बात बताई थी कि पहले 6 महीने में हीफर्स में रूमन की डेवलपमेंट हो रही होती है एज के साथ। रूमिनेंट बन जाता है बच्चा 3 महीने में, लेकिन उसका साइज अभी रूमन का पूरा नहीं होता, वो वेट के साथ पूरा होता है। तो तकरीबन 150-180 kg बॉडी वेट होता है तब जाके कहीं वो रूमन अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर आता है। 6 महीने तक जो है रूमन, आप देखिए जैसे रूमन फुली डेवलप होता है उस वक्त ही उसकी स्पीड एलोमेट्रिक की भी ज्यादा हो रही है, उस वक्त उसकी इनटेक की कैपेसिटी भी ज्यादा हो रही है। 6 महीने वाली हीफर जो है वो हमेशा 6 से 12 महीने तक उसका इनटेक बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है कंपेयर टू अपने से प्रीवियस वाले ग्रुप के, तो क्योंकि कैपेसिटी उसके रिमूव की सही हो जाती है। तो ये एरिया ऐसा है जिसके अंदर स्पेशली ख्याल रखने की जरूरत है। तो मैंने आपको सिर्फ चंद बातें बताई, मैं एक दफा दोबारा ये स्लाइड बता देता हूँ ये की है इस पूरे लेक्चर की, कि जब भी आपने हीफर्स के ग्रुप बनाने हैं पहले 2-3 महीने का तो एक हो गया क्योंकि उसके अंदर आइसोमेट्रिक ग्रोथ है, 3 से लेके 6 महीने तक या 2 से 6 महीने तक का ग्रुप जो है वो भी एक और ग्रुप हो जाएगा, उसके अंदर आपने सारी बातें भी के बाद वाली डाइट चलानी है। लेकिन अगेन इसमें हीफर अगर आपको थोड़ी फैटी भी लग रही है तो वो डेंजरस होगी। लेकिन 6 महीने से प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी का ताल्लुक किससे, बॉडी वेट से। तो बॉडी वेट 250 kg तक आपने का जो ग्रुप बनाना है ना, 150 से लेके 250 kg तक वाला, इस 100 kg में आपने फैट डेपोजिशन 300 kg, I would recommend कि आप 400 kg 500 तक ना होने दें। लेकिन यहाँ से आपने lean diets, और lean diets का मतलब क्या है कि ऐसी diets लेनी है जिसके अंदर protein ज़्यादा हो, energy कम। इसमें अब दो चीजें हैं, पाकिस्तान में चूंकि आपको पता है कौन सा energy ही commercial forms में use होता है, तो मेरी strong recommendation ये है कि कौन सा energy based diets के अंदर lean रखने के option easy नहीं है। अगर आपने उसमें lean रखना है तो आपको cost of जो है फीड वो भी बढ़ानी होगी। आपको कौन साइलेज मकई के दाने के साथ होता है आपको पता है, पर एनर्जी होती है उसके लिए, तो उसके साथ आपको प्रोटीन अच्छी खासी ऐड करनी है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो जाहिर बात है फिर आप यही करेंगे कमर्शियल कॉर्पोरेट का, तो यही हो कि आप जो है हीफर्स में 6 महीने से ऑनवर्ड भी कौन साइलेज खिला रहे थे, लेकिन उस सूरत में आपको एटलीस्ट इन एनिमल्स के अंदर जो है 2 से 2 किलो तक जो है वो कैनोला भी या 1.5 किलो तक सोयाबीन मील पर हीफर जो है वो ऐड करना पड़ता है, या 1 kg आपको रेपसी मील, 1 kg किनोला मील, व्हाटएवर जो भी आप 2 किलो तक एक मील डिसाइड कौन सा देना पड़ेगा ताकि आप उसको देख। इसकी एक दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इससे आपका बहुत अच्छा एवरेज डेली गेन आए और हीफर्स की शेप भी अच्छी हुई। अगर आप एक कहते हैं कि जी मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी ना और मुझे हर ग्रोथ रेट भी बेहतरीन मिले और 24 मंथ तक मेरा हो, तो उसमें आप यही सिस्टम चलाएं, इसमें कोई मसला नहीं। अगर आपके पास दूसरी ऑप्शन हो सकती है जो इससे बहुत ज्यादा बेहतर है, छोटे फार्मर्स के पास वो अवेलेबल होती है, वो होती है कि आप इन एनिमल्स को प्रोटीन के फॉरेजेस ऑफर करें, स्पेशली बरसीम, अल्फा अल्फा,
ड्राई करके अपने पास रख लें, अल्फा अल्फा की बेस्ड डाइट्स बनाए या प्रोटीन बेस्ड डाइट्स बनाए, बसीम बेस्ड, और उसके अंदर वीट स्टॉक का एडिशन बड़ा थोड़ा रखें, तो इस सूरत में आपकी जो डाइट है वो ज्यादा रीजनेबल भी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, और एनिमल लीन रहेगा, एटलीस्ट उसकी मेमोरी ग्लैंड की डैमेज नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ दी स्ट्रेटेजी जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये जो पर है इसको हम लोग जो है फीड करें। इसमें मैंने एक रिकमेंडेशन है जो ईफस के हवाले से, कौन सा एलिमेंट बेस्ड है वो आप लोगों ने, मैंने और डॉक्टर अग्रवाल साहब ने कैलकुलेशंस की थी कुछ कौन सा एलिमेंट बेस्ड, वो आप लोगों को पहले भी शेयर कर दी थी, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में शेयर कर दूंगा। लेकिन जो भी आप लोग फार्मिंग कर रहे हैं या जो आप मशवरा देते हैं उनको ये जरूर बताएं कि आपने 150 से 250-300 kg वाले एनिमल्स के दरमियान लीन रखना है, उसे मोटा नहीं होने देना, दैट इज वन ऑफ द की फॉर ही फॉर। और मैंने आपको बताया कि एड लिबिटम फीडिंग प्रायर टू प्यूबर्टी कुड रिड्यूस दी मेमरी ग्लैंड के जो टिश्यूज है उनको वो 23% रिड्यूस कर सकती है, ठीक है, कंपेयर टू रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। और रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग क्या होती है कि आप इतनी फीड डालें कि 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को वो बस फीड खाए, उसके बाद उसके पास फीड बंद कर फीड ना। ये हमने बड़ी दफा किया विद विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेट, अगर आप 2-3 किलो कॉन्सेंट्रेट फीड करें तो कोई मसला नहीं है। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से, वो ये है कि क्या एक्सेलरेटेड रेट ऑफ बॉडी वेट गेन का जो चैलेंज है कि अगर हम ज्यादा एक्सेलरेशन ना दें 150 से 250 kg बॉडी वेट के अंदर, तो क्या ये प्री प्यूबर्टल पोस्ट प्यूबर्टल में सिमिलर है? तो ये मैंने आपको आंसर दे दिया कि ऐसा नहीं है, पोस्ट प्यूबर्टल का कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि इसकी एनर्जी इंटेक और टोटल न्यूट्रिएंट इंटेक मैटर्स। अब यहाँ बात हो रही है सारी एनर्जी की, कि एनर्जी कम रखें एनर्जी कम, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप प्रोटीन ऐड करें देन दिस इज नॉट अ बिग डील, ये एनर्जी की रिस्ट्रिक्शन का ही इशू है। एनर्जी की डेपोजिशन अगर ज्यादा होगी उसमें अगेन यही होता है कि अगर आप खाली जैसे एक इंसान को रोटियां खिलाते थे और उसकी प्लेट में बोटी ना हो तो वो एट द एंड ऑफ द डे फैट कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली उसकी प्रोटीन मसल बिल्डिंग में तो यूज नहीं हो रही, प्रोटीन तो है ही नहीं, तो इस वजह से वो ओबीस ही होगा। तो ये जो है एवरेज डेली गेन की जो करंट रिकमेंडेशन है 0.82 kg पर डे, और इसी की बेस के ऊपर हम चलाते हैं। ग्रुप्स का मैंने आपको बता दिया, मीनिंग से 180-150 kg तक, फिर 150-180 kg से ब्रीडिंग तक, फिर ब्रीडिंग से कार्विंग तक का जो है हमने ग्रुप बनाना है। मीनिंग तक की हम स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा अभी, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस स्टडीज है उसके ऊपर आप देख लें। 180 kg से ब्रीडिंग तक के जो हमारे पास चार्ट है उसमें हम लोग टिपिकली देखते हैं कि इसका बॉडी वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए उस बॉडी वेट के हिसाब से, तो हम टिपिकली मंथली बेसिस के ऊपर जो है उनका बॉडी वेट लेते हैं। तो ब्रीडिंग कहीं है 360 kg के ऊपर होती है, अप्रॉक्सीमेट हाइट इसके ऊपर 122 बनती है, ये एज भी 14 मंथ बनती है आपके सामने, और इस वक्त अगर आप देखें तो 12% सीपी वाला टीएमआर कम अज कम देना चाहिए, 16 से आप देखें तो विद द प्रेशर टाइम कब की तरफ आ रहा है, हम लोग इवन आप 13-14 तक भी देते हैं और यहाँ हम लोग ज्यादा भी देते हैं, तो ये बहुत एक्सेलरेशन अगर आपने अच्छी रखनी है और हाइट रखनी है तो फिर आप इससे ज्यादा अच्छी प्रोटीन वाली फीड देंगे तो यकीनन आपको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन 12% से कम वाला टीएमआर जो है हम प्रोटीन में नहीं देते। तो यही आज की हमारी डिस्कशन थी, आप लोगों का शुक्रिया, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिए।